दिव्य हिंदी अकोला की टॉप 10 न्यूज को स्पॉन्सर बाय मस्ती चाय। करे दिन का शुभारंभ मस्ती चाय के साथ। विश्व दृष्टि दिवस के उपलक्ष्य में रविवार को जनरल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन अकोला की ओर से अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में वर्ष भर 75 नई सामाजिक कल्याण गतिविधियों को चलाने का निर्णय लिया। उनमें से प्राथमिक चिकित्सा कार्यशाला का आयोजन दृष्टिहीन दिव्यांगों के लिए अजिंक्य फिटनेस पार्क केडिया प्लॉट अकोला में किया गया, जिसमें शहर के कई नेत्रहीन व्यक्तियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कल 16 अक्टूबर को अकोला थैलेसीमिया सोसाइटी में श्री हरीश भाई अलीम चंदानी के मार्गदर्शन में अपोलो हॉस्पिटल के सुप्रसिद्ध पीडियाट्रिक हेमाटोलॉजिस्ट डॉक्टर आतिश बकाने जी ने थैलेसीमिक बच्चों का चेकअप कर उनको मार्गदर्शन दिया तथा बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में भी कई महत्वपूर्ण जानकारी दी। सामाजिक कार्यकर्ता अर्चना ताई प्रदीप मुदीराज के नेतृत्व में प्रभाग क्रमांक 18 के नागरिकों के लिए मुफ्त राशन कार्ड बनाकर वितरण का कार्यक्रम हाल ही में गीता नगर यहां संपन्न हुआ, जिसमें 139 परिवारों को निशुल्क राशन कार्ड वितरण किए गए। अर्चना ताई के इस कार्यों की पूरे प्रभाग में खूब प्रशंसा की जा रही है। इस कार्यक्रम में शहर के कई गणमान्य व्यक्ति और प्रभाग के नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। दीपावली की खरीदारी कर घर लौटे कपिला वस्तु नगर के दत्त कॉलोनी रहवासी चितलांगे दंपति शाम को अपनी कार से सामग्री निकालने में व्यस्त थे। इस दौरान वहां बाइक पर सवार होकर पहुंचे चेन स्नैचरों ने महिला के गले से 32 ग्राम सोने का मंगलसूत्र जबरन झपटकर फरार हो गए। खदान पुलिस थाने में इस मामले को दर्ज किया गया है। संपत्ति कर वसूली को गति प्रदान करने के लिए अकोला महानगर पालिका की ओर से सील की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन 10 दिनों के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो 1,36,00,000 रुपए ही वसूल हो पाए हैं। अभी भी 170 करोड़ रुपए वसूल किए जाने बाकी है। अमरावती विभाग स्नातक मतदाता पंजीयन कार्यक्रम शुरू किया जा चुका है। इसके लिए क्षेत्रवार सहायक मतदाता पंजीयन अधिकारी एवं पदनिर्देशित अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जिससे स्नातक मतदाता चुनाव क्षेत्र के पंजीयन हेतु 7 नवंबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। वरिष्ठ नागरिकों को राज्य परिवहन महामंडल की बसों में निःशुल्क यात्रा योजना का लाभ दिया जा रहा है। अकोला जिले में सितंबर माह में 5 डिपो की बसों से करीब 71,160 वरिष्ठ नागरिकों ने निःशुल्क यात्रा की। यात्रियों का पंजीयन हो सके इसलिए उन्हें शून्य रकम का टिकट भी दिया जाता है। जिले में बदलते वातावरण के कारण हर घर में सर्दी खांसी के अलावा तेज एवं हल्के बुखार के मरीज पाए जा रहे हैं। मरीजों में शिशुओं से लेकर सभी उम्र के लोगों का समावेश है। इनमें कई मरीज ऐसे भी मरीज हैं जिनमें डेंगू के अलावा मलेरिया के भी लक्षण मौजूद है। यही वजह है कि सरकारी अस्पताल से लेकर निजी अस्पतालों में मरीजों का तांता लगा हुआ है। सबसे अधिक बिजली हानि होने वाले क्षेत्रों को रडार पर रखते हुए महावितरण ने बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम छेड़ी है। बालापुर शहर व उपविभाग में महावितरण के दलों ने आकस्मिक कार्रवाई की। इस कार्रवाई में 15 स्थानों से 11 लाख की बिजली चोरी उजागर हुई। अकोला जिले की 7 पंचायत समितियों में सभापति उपसभापति पद के चुनाव रविवार को संबंधित पंचायत समितियों में लिए गए। इन चुनावों में 7 में से 4 पंचायत समितियों में वंचित बहुजन आघाड़ी ने सभापति पद हासिल करने में सफलता प्राप्त की है। वहीं 2 पंचायत समितियों में 2 सभापति पद शिवसेना तथा बीजेपी ने 1 सभापति पद पर जीत हासिल की। दिव्य हिंदी न्यूज, न्यूज क्षेत्र के सारे प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मजबूती से खड़ा, जैसे न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल, आईटी प्लेटफॉर्म और न्यूज एप्लीकेशन। दिव्य हिंदी न्यूज ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से अभी डाउनलोड करें। साथ ही इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूले। दिव्य हिंदी न्यूज आपके परिवार को रखे जागरूक और आपको एक्टिव। धन्यवाद।